एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोमोजिका काफी खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चला रही थी और योगिरी ऐसी सिचुएशन में भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। टोमोजिका सामने देखती है तो वहाँ पर काफी बड़ा पत्थर होता है। फिर योगिरी को सपना आता है कि जब वो छोटा था तब एक लेडी उसे ग्रीट करना सिखा रही थी। वो बोलती है इसे हैंडशेक कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और फाइनल इंटरव्यू साइट दिखाई जाती है और वही लेडी को दिखाते हैं जो अभी योगिरी के सपने में आई थी। इसका नाम असाका ताकाटोउ है। वो एक एम्प्लॉयमेंट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था अगर मैं इस जॉब में मर भी जाऊं तब भी कंप्लेन नहीं करूंगी। और उसके सामने युकियो नाम का लड़का था जो कहता है तुमने सही कहा। असाका जाने लगती है तो युकियो कहता है मैं तुम्हें घर नहीं भेज सकता। उसके बाद असाका उस एम्प्लॉयमेंट पर अपनी साइन कर देती है। फिर वो पूछती है क्या ये इविल ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट बेस है। युकियो कहता है नहीं हम लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। असाका पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। युकियो कहता है तुम्हें बस मॉन्स्टर का ख्याल रखना है। असाका कहती है क्या। युकियो कहता है हम यहाँ पर कर्स एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। फिर वो लोग स्क्रिप्चर नाम की एक जगह पर आते हैं। युकियो कहता है ये कंसोलेशन और कुछ लोगों के लिए है। असाका पूछती है हम कहाँ पर आ गए। युकियो कहता है तुम्हारी वर्क प्लेस पर। तुम्हें अल्फा ओमेगा टर्म पता है। असाका कहती है मुझे कैसे पता होगा। युकियो कहता है ये ग्रेसियन अल्फाबेट का शुरुआत और एंड है। दूसरे शब्दों में एवरीथिंग और इटर्निटी। ये टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। असाका पूछती है तुम जिस टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो एक इंसान है ना। युकियो कहता है मैंने उसे कभी देखा नहीं है तो मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अल्फा ओमेगा जिसे चाहे उसे मार सकता है। असाका कहती है और तुम चाहते हो कि मैं उसका ख्याल रखूँ। युकियो कहता है तुम्हारे पास टीचर लाइसेंस है ना। अगर ऐसा ही होता रहा तो ह्यूमैनिटी का नाश हो जाएगा। उसे पर्याप्त एजुकेशन देने से शायद हम ऐसा अवॉइड कर सकते हैं। असाका कहती है लेकिन मैं ही क्यों। इस काम को करने के लिए और भी कितने सारे लोग हैं। युकियो कहता है हाँ एंट्रीज तो बहुत सारी थी लेकिन इसमें तुम फिट हो गई। असाका बोलती है ये तो कितनी बुरी बात है। फिर वो लोग एक बेस के पास पहुँचते हैं। युकियो कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो इन इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। और वो उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर असाका अपने सिक्योरिटी कार्ड से उस बेस को ओपन करती है और वो बेस एक विलेज में ओपन होता है। फिर असाका बाहर आकर वो इंस्ट्रक्शन देखती है और उसकी वर्क लोकेशन ड्रॉ की हुई थी। फिर वो उस जगह पर आ जाती है और आवाज़ देने लगती है कि कोई यहाँ पर है। फिर वो अंदर आ जाती है और एक कमरे में देखती है तो वहाँ पर छोटा योगिरी बैठा हुआ था। योगिरी उसे देखकर स्माइल करता है। असाका को गुस्सा आ जाता है कि एक बच्चे को ऐसे अंडरग्राउंड में लॉक कैसे कर सकते हो। फिर वो बाहर आकर उसे फेंक देती है और कहती है अब तुम बाहर हो जाओ खेलो जाओ मछलियाँ पकड़ो और खेलो। तभी योगिरी अपनी उंगली आगे करता है जिससे असाका डर जाती है। लेकिन असाका के पीछे एक शैडो आ रही थी एंड योगिरी उसे मार देता है। योगिरी कहता है ये आपकी शैडो में छिप रहा था। असाका पूछती है ये क्या था। योगिरी कहता है शायद ये डेविल था। वो लोग यहाँ पर आकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मुझे खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन अभी शाम हो गई है तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ। असाका कहती है हाँ और पहले मैंने तुम्हें ऐसे फेंक दिया उसके लिए सॉरी। फिर वो उसे उठा देती है और कहती है मैं असाका ताकाटोउ हूँ और तुम कौन हो। योगिरी कहता है वो लोग मुझे अल्फा ओमेगा बुलाते हैं। असाका कहती है वो तो कोड नेम है तुम्हारा असली नाम क्या है। योगिरी कहता है यहाँ पर आने से पहले वो लोग मुझे लॉर्ड ओकाकुशी बुलाते थे लेकिन अभी मुझे भूख लगी है। असाका कहती है भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन मैं खाना बना सकती हूँ। फिर घर में योगिरी नहा रहा था एंड असाका कहती है जब तक ये नहा रहा है मुझे कुछ बनाना चाहिए। फिर वो बहुत सारे कप नूडल्स को देखती है। उसके बाद योगिरी आ जाता है। वो पूछता है ये क्या है। असाका कहती है खा लो इसे। फिर योगिरी जब वो खाता है तब वो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। वो कहता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं ट्राई किया था। असाका सोचती है पहले तो नाम का कुछ करना होगा। फिर वो पूछती है तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या बुलाती थी। योगिरी पूछता है मेरी मॉम। असाका कहती है कोई बात नहीं मैं ही कुछ सोच लूँगी। फिर वो उसे देखती है तो उसे एक डॉग याद आता है और वो उसे कहती है योगिरी कैसा रहेगा।
योगिरी कहता है ठीक है तो योगिरी तकतो। असाका कहती है तुमने मेरा लास्ट नेम क्यों रख दिया। योगिरी कहता है तुम भी तो उसे अपने फर्स्ट नेम के बाद रखती हो। असाका कहती है हम कब से फैमिली बन गए। ठीक है अब से तुम योगिरी ताकतो हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर हैंड शेक करती है और कहती है इसे हैंड शेक कहते हैं। चलो अब बोलो नाइस टू मीट यू। योगिरी भी बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद इधर भी योगिरी आपसे मिलकर अच्छा लगा बोलता है। तभी तोमोचिका उसे जगाती है कि देखो हम डेड एंड पर पहुँच चुके हैं और तुम ऐसे वक्त में भी कैसे आराम से सो सकते हो। योगिरी कहता है हानाबुजा में मैंने बहुत सारी एबिलिटी यूज़ कर ली थी इसलिए मैं थक चुका था। मोको मोको कहती है डान्नोरा ड्राइविंग स्कूल ऐसी सिचुएशन में भी कम्पीट नहीं कर सकती है। तोमोचिका कहती है मतलब तुम थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकती। योगिरी कहता है हमें तो रॉयल कैपिटल में जाना है ना। तोमोचिका कहती है तुम ये सब अब पूछ रहे हो। हम जब वहाँ से निकल रहे थे तब तुम्हें ये पूछना था। योगिरी कहता है हम जहाँ से आए हैं हमें वहाँ पर वापस जाना है और इसलिए मुझे सेठ सियोन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तोमोचिका कहती है लेकिन लगता तो ऐसा है कि हमारे सारे क्लासमेट्स वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। फिर टोमोचिका गाड़ी पीछे करती है तो उनकी टक्कर एक ड्रैगन से होती है। वो काफ़ी बड़ा ड्रैगन था और वो उन पर अटैक करने वाला था और योगी रिडाई बोलकर उसे ख़त्म कर देता है और वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। टोमोचिका कहती है सामने देखो और वहाँ पर तो बहुत सारे ड्रैगन्स उनकी ही ओर आ रहे थे। योगिरी कहता है लगता है हम दुश्मन की टेरिटरी में आ चुके हैं। वो सारे ड्रैगन्स उन पर हमला करने आ रहे थे। योगिरी कहता है सारे मर जाओ और वो सारे मरकर गिरने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन थंडर ड्रैगन आता है। वो उन पर अटैक नहीं कर रहा था। वो ड्रैगन बोलता है तुम पास हुए और वहाँ से चला जाता है। योगिरी कहता है रुको अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। रुक जाओ वरना तुम्हारा भी उन ड्रैगन्स के जैसा हाल हो जाएगा। तो वो रुक जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन एक छोटी बच्ची में टर्न हो जाता है। मोको मोको कहती है इसे कई दुनिया में तो ऐसा सब होता रहता है। योगिरी पूछता है तुम हम पर हमला क्यों कर रही थी। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम स्वॉर्ड मास्टर सामा को देखने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। योगिरी पूछता है स्वॉर्ड मास्टर क्या वही तो नहीं। तो वो लड़की खुश होकर बोलती है तुम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को देखने नहीं आई थे। योगिरी कहता है नहीं हम तो बस रॉयल कैपिटल में जाना चाहते थे। वो लड़की बोलती है स्वॉर्ड मास्टर यहीं पर है वो गिफ्ट प्रदान करते हैं। योगिरी कहता है वो जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है चलो चलते हैं। तो लड़की रोती हुई बोलती है रुको उन्होंने मुझे कहा है कि मैं प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को लेकर आऊँ। योगिरी कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की कहती है स्वॉर्ड मास्टर सेज का राइवल है। योगिरी कहता है तब तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि हम अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जा पाए। तोमोचिका कहती है लेकिन हम तो रास्ता खो गए हैं। वो लड़की कहती है ऐसी बात है तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगी कहाँ जाना है। अगर तुम लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिल जाते हो तो मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल में लेकर जाऊँगी। मेरा नाम एटिला है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो रास्ते में गाना गा रही थी कि स्वॉर्ड मास्टर की एटिला। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे। वो सभी उन्हें ही घूर रहे थे कि ये लोग यहाँ पर कार से कैसे। एटिला कहती है यहाँ पर सभी लोग स्वॉर्ड्समैन हैं जो एम करके नेक्स्ट स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं और आज हम डिवाइन किंग का नेक्स्ट नाइट चूज करने वाले हैं। योगिरी कहता है तुम हमें किसी मुसीबत में डालना चाहती हो क्या। तभी उनके पास एक लड़का आकर कहता है तुम लोग यहाँ पर आ तो गए लेकिन तुम लूजर्स डिसक्वालिफाइड हो जाओगे। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर आ जाता है जो कहता है हमने अभी शुरू नहीं किया है तो यहाँ पर कोई भी डिसक्वालिफाई नहीं हुआ है। उसका नाम ओराबे है। उसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहता है सभी एक दूसरे को मारना शुरू कर दो जब तक मैं स्टॉप ना बोलूँ। अब से लेकर 10 मिनट तक कोई भी किसी को मार ना पाया तो सब फेल हो जाएंगे। योगिरी कहता है अगर मैं डिसक्वालिफाइड हो जाऊँ फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ। एटिला कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कोई भी यहाँ से जाएगा तो सब फेल हो जाएंगे चलो शुरू हो जाओ।
और वो लड़का एक दूसरे लड़के पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जो कि टोमोचिका के पास ही जाकर गिरता है और सभी लोग एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इनकी ओर हमला करने आ रहे थे। योगिरी बोलता है, अब मुझे इन्हें भी मारना पड़ेगा। तभी उनके सामने एक लड़का आकर कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वो उन सबको ख़त्म कर देता है। वो बोलता है, तुम फोक्स लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि स्वॉर्ड मास्टर के इंटेंशंस क्या है। तो मुचिका कहती है, लगता है ये लड़का काफ़ी अच्छा है। तभी योगिरी किलिंग इंटेंट फील करता है, तो वो उन सबको डाई बोलकर ख़त्म कर देता है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है, शायद स्वॉर्ड मास्टर ने उन्हें पनिश किया होगा। फिर इनको कहता है, मैंने सुना है तुम लोग तो यहाँ से सिर्फ गुजर ही रहे थे, ये तो बदकिस्मत की बात है, लेकिन तुम लोग थोड़ी और देर मेरे साथ ज्वाइन करोगे। तभी वहाँ पर एक लड़का घायल हालत में रेंगते हुए आकर कहता है, मेरी हेल्प करो, वो रेनबो कलर का स्टोन मेरे हाथ में दे दो। तो टोमोचिका उसे वो दे देती है। वो लड़का कहता है, ये एक एपोलॉजी स्टोन है, और उस स्टोन की पावर एक्टिवेट हो जाती है एंड वो लड़का ठीक हो जाता है। वो लड़का कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। टोमोचिका कहती है, ये सब क्या था। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है, शांत हो जाओ, हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो मेरे साथ आओ। एटिला कहती है, मैं चाहती हूँ तुम लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। योगिरी कहता है, तुमने तो कहा था ना कि हमें बस स्वॉर्ड मास्टर से मिलना ही है। एटिला कहती है, अगर तुम दोनों डिवाइन किंग के नाइट्स बनते हो तो मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊंगी, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। उसके बाद ये लोग आगे चलने लगते हैं और ये लड़का कहता है, मेरा नाम रिक है, और ये लड़का कहता है, मेरा नाम लाइनेल है, मुझे तो यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है। योगिरी रिक से पूछता है कि ये डिवाइन किंग क्या है। रिक कहता है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है मैं बताता हूँ। डिवाइन किंग सील्ड हुए गॉड को हैंडल करता है, जिसे हम डीमंस कहते हैं। हजारों साल पहले डिवाइन किंग के हाथों डार्क गॉड सील हो गए थे। उनके मास्टर को रिवाइव करने के लिए डार्क गॉड के स्पॉन इस पूरी जगह पर एक्टिव है। तो मुचिका लाइनेल से पूछती है कि तुम्हारे पास जो स्टोन था वो क्या था। लाइनेल कहता है, वो एक चीज़ है जो मुझे एपोलॉजी के तौर पर मिलता है और मुझे सीरियस इंजरी से हील भी करता है, और उससे मैं अपना लक भी ट्राई कर सकता हूँ। तो मुचिका पूछती है, किसकी एपोलॉजी। लाइनेल कहता है, मेरा लक हमेशा ख़राब रहता है, मैं हमेशा मिसफॉर्च्यून एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। पिछली बार मैंने मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था, तभी मेरे सामने एक गॉडेस अपीयर हुई थी और मुझे एक एपोलॉजी स्टोन मिला था। तभी मोको टोमोचिका को कहती है, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो गार्डियन स्पिरिट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। रिक पूछता है, ये घाचा क्या है। लाइनेल कहता है, मैं 3 स्टोन से एक पुल कर सकता हूँ और 30 स्टोन से मैं कंसेक्यूटिव पुल्स बना सकता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ। फिर वो उन तीनों स्टोन्स को ऊपर फेंकता है और उसमें से कुछ अजीब सी चीज़ बनती है। लाइनेल कहता है, ये एक नॉर्मल स्क्रब ब्रश है और मैं इसे किसी भी रैंडम आइटम में एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या कहती है, तुम्हारे तो तीनों स्टोन्स ख़त्म हो गए। लाइनेल कहता है, मिडनाइट में मुझे नया एपोलॉजी स्टोन मिलेगा जो मेरे पूरे दिन के मिस फॉर्च्यून के ऊपर डिपेंड होगा। तभी उनके सामने कुछ लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो गायब हो गए। एटेला कहती है, क्योंकि यहाँ पर बैरियर है, तुम लोग बस आगे बढ़ते रहो। उसके बाद वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे और एक बिल्डिंग आसमान तक जा रही थी। मोको कहती है, यहाँ पर कुछ अजीब सा मियास्मा है एंड लाइनेल की हालत ख़राब हो रही थी। मोको कहती है, मियास्मा ने उसे पकड़ लिया है। तो मोचिका कहती है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रही। तो मोको कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। रिक कहता है, ये मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तभी लाइनेल का स्टोन एक्टिवेट हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। वो कहता है, मुझे मेरे एपोलॉजी स्टोन से मियास्मा रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद योगिरी बोलता है, एटिला कहाँ चली गई। रिक कहता है, शायद वो बैरियर में ही ना अटक गई हो, जो लोग ट्रायल के लिए आए हैं वही लोग यहाँ पर है। फिर वो लोग उस बड़ी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो अंदर से भी काफ़ी बड़ी थी। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और वहाँ पर एलिवेटर था। योगिरी कहता है, अच्छा है यहाँ पर स्टेयर्स नहीं है। उसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं एंड स्वॉर्ड मास्टर कहता है, इधर आकर देखो।
वो लोग ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर सर्कल सा कुछ बना हुआ था। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ये है इस दुनिया का अंत। तोमुचिका ठीक से देखने की कोशिश करती है। योगिरी पूछता है कुछ दिखा? तोमुचिका कहती है सेंटर में सॉलिफाइड मॉन्स्टर जो कि ब्लैक में है और एक औरत व्हाइट में है। ऐसा लगता है कि जब उसकी स्वॉर्ड उनमें समाई तब उसे ये दोनों जम चुके हैं। रिक कहता है वो स्वॉर्ड मास्टर का डार्क गॉड है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं इस बात में कोई आशंका नहीं है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने ही वाली है, हम बस इसे देख ही सकते हैं। तभी फ्रेडरिका नाम की एक लड़की कहती है हम उनको हरा देते हैं तब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लाइनल कहता है फ्रेडरिका? ये सब उसे पूछते हैं तुम उसे जानते हो? लाइनल कहता है उसी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, मुझे नहीं पता था कि वो डार्क गॉड को डिफीट करने के इंटेंशन से यहाँ आई थी। स्वॉर्ड मास्टर उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट। फ्रेडरिका कहती है आज से तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। फिर वो सनबर्स्ट बोलती है और अटैक कर देती है लेकिन उसका मैजिक उस सर्कल में जाने के बाद स्लो हो जाता है। वो खुद भी काफ़ी शॉक हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है उस बैरियर में टाइम स्लो हो जाता है। उस अटैक को डार्क गॉड तक पहुंचने में सेवरल 100 ईयर्स लग जाएंगे। ये सुनकर फ्रेडरिका हार मान जाती है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं नाइट सिलेक्शन टेस्ट शुरू होता है और तुम्हें डिटेल्स ये देगी। वो लड़की कहती है इस टावर के रूफ में से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने का गोल है वो भी 24 घंटों के अंदर। तभी तेरेसा नाम की एक लड़की पूछती है कि अगर मैं यहाँ से ज़मीन तक छलांग लगा लूँ तो क्या मैं फेल हो जाऊँगी? वो लड़की कहती है सबको इस टावर के अंदर से 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। जिस पर टेरेसा कहती है ये तो कितना ठकाने वाला काम है। तोमुचिका योगिरी से पूछती है क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेगी? योगिरी कहता है वो हमारे साथ ज़मीन पर नहीं होगी। वो लड़की कहती है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है। तोमुचिका योगिरी से पूछती है क्या तुम इन्हें अपनी एबिलिटी से हरा सकते हो? हाँ लेकिन तुम्हारे पास उन्हें मारने का कोई रीज़न नहीं है। फिर वो योगिरी को देखती है तो वो डरा हुआ लग रहा था। वो उसे पूछती है क्या हुआ तो योगिरी कहता है वैसे वो मियास्मा काफ़ी बुरा था। फिर वो उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनकर तोमुचिका काफ़ी हैरान हो जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। I'm not afraid to die.